तो बच्चों हम लोग आज क्लास टेंथ का चैप्टर 2 जो बहुपद है उसके एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न संख्या 1 हल करेंगे। तो इसको हल करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे जिससे कि इसे हल करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। देखिए बेसिक चीज़ में आपको पता है बच्चों कि हर एक जो द्विघात बहुपद होता है, बच्चों जो द्विघात बहुपद होता है बहुपद उसका व्यापक रूप आपको पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। उसका एक व्यापक रूप होता है जहां पे ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। ये व्यापक रूप है उसका। व्यापक रूप का अर्थ ये होता है बच्चों कि उसका ये जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म मतलब इसी रूप का होता है हर एक द्विघात बहुपद, ठीक है, इस रूप का होता है। और यदि उसका शून्य ज्ञात करना है तो क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका गुणनखंड करते हैं, ठीक है, और गुणनखंड करके और उसको जीरो के बराबर करते हैं और वहां से उसका शून्य हम लोग निकाल लेते हैं। अर्थात शून्य का अर्थ मैंने बताया था अगले वीडियो में कि किसी भी द्विघात बहुपद का या किसी भी बहुपद का शून्य को वे मान होते हैं जो उस बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं। और जो बच्चों मान होता है बच्चों वो एक्स का मान होता है, ठीक है, या एक्स का अगर हम न कहें, अगर हम चर कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। वह चर का मान होता है जो कि उस बहुपद के मान को शून्य के बराबर कर देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए तो क्या करना है इसको, सबसे पहले द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। और शून्य ज्ञात करके शून्य को और उनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो इसमें एक शब्द आ रहा है बच्चों, गुणांक एक शब्द आ रहा है, ठीक है, गुणांक कह रहे कि गुणांकों के बीच मतलब गुणांक आ रहा है। तो यहाँ पे बच्चों ये जो चर है ना एक्स, तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक यहाँ पे बच्चों ए है, या एक्स है एक्स का गुणांक यहाँ पे बी है, और यहाँ पे एक अचर संख्या सी है, तो ये गुणांक है। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूँ 2x², तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यदि पूछा जाए तो 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे 3x है, एक्स का गुणांक पूछा जाए तो यहाँ पे 3 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूँ 5y³, तो y³ का गुणांक पूछा जाए, मतलब गुणांक का अर्थ होता है गुणा का अंक। शॉर्टकट में अगर देखें तो इसे आप लिख सकते हैं गुणा का अंक, गुणा का अंक बता सकते हैं। तो यहाँ पे y³ में जो गुणा का अंक है, यहाँ पे कोई साइन नहीं, तो मल्टीप्लाई गुणा का चिन्ह है, अर्थात y³ का जो गुणांक है वो 5 है, ठीक है ना। तो जो ये गुणांक a है, b है, और जो एक अचर संख्या c है, जब शून्य को निकालेंगे तो शून्य को और गुणांकों के बीच क्या संबंध है, उस चीज को आपको इसमें बताना है और सत्यता की जांच करनी है कि जो गुणांकों के बीच जो संबंध है वास्तव में वो सही है या नहीं, ठीक है। तो बच्चों जो संबंध है गुणांकों के बीच और शून्यकों के बीच वो इस प्रकार, बच्चों ये तो व्यापक रूप रहा, ax² प्लस bx प्लस सी, ये आपका द्विघात बहुपद है जहां पे a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यदि इसके दो शून्य निकाले, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम x की जो चर की मैक्सिमम पावर जो बच्चों 2 है, तो इसका शून्य भी 2 ही होंगे, ठीक है। शून्य निकालेंगे तो 2 शून्य प्राप्त होंगे, ठीक है, अभी निकाला जाएगा। ये बहुपद आपका द्विघात बहुपद है, इसके 2 ही शून्य प्राप्त होंगे, ठीक है ना। वो उसके घात पे डिपेंड करता है, किसी भी बहुपद के घात पे डिपेंड करता है, उस बहुपद की जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतने ही उसके शून्य होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो जो एक्स स्क्वायर जो चर है एक्स का, यहाँ पे एक्स जो चर एक्स है, इसका जो गुणांक ए है, बी है, या एक अचर संख्या सी भी है, जब निकालेंगे, ठीक है, जो इसके शून्य निकालेंगे उनके बीच संबंध क्या होंगे। तो यदि मान लेते हैं कि एक इसका शून्य एक अल्फा हो गया और एक दूसरा शून्य बच्चों बीटा हो गया, दो शून्य निकालेंगे तो दोनों का अलग अलग हमने नाम दे दिया, एक अल्फा और दूसरा बीटा। तो यदि अल्फा और बीटा दोनों शून्यकों को यदि जोड़ा जाए, यदि दोनों शून्यकों को जोड़ा जाएगा तो -b/a के इक्वल आएगा, ठीक है। इनके बीच संबंध ये है कि शून्यकों का योगफल बराबर x का माइनस x का गुणांक बटा में x² का गुणांक, ये होता है, ठीक है ना।
और फिर उन शून्यकों का यदि गुणा किया जाएगा, शून्यकों का जो गुणनफल होगा अल्फा और बीटा का गुणा किया जाएगा अर्थात अल्फा इंटू बीटा, तो आ जाएगा बच्चों सी बाई ए अर्थात अचर संख्या बटा में एक्स स्क्वायर का गुणा। यहाँ पे आप चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अचर संख्या बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अगर पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या है, ए है, इसमें अचर संख्या क्या बच्चों सी है, तो सी को सी बाई ए लिखा गया है, ठीक है ना। तीन के बीच ये संबंध होता है, ठीक है ना। तो ये उसका बेसिक है, पहले इस चीज को आप पहले जान लेंगे तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसको हम लोग अब इसका शून्य ज्ञात करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट का। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे हल स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले किसी भी बहुपद का यदि शून्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम उसका गुणनखंड करते हैं, ठीक है। और गुणनखंड करके उसको जीरो के बराबर कर लेते हैं बच्चों, और वहां से x का मान निकाल लेते हैं। जो x का मान होता है वही उस बहुपद का शून्य होता है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस टू एक्स को यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस फोर एक्स और प्लस टू एक्स, क्योंकि जब टू एक्स में से फोर एक्स माइनस करेंगे तो माइनस टू एक्स आ जाएगा, और फोर और टू का मल्टीप्लाई होगा तो एट आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस फोर इंटू प्लस टू तो माइनस एट आ जाएगा, क्योंकि रूल तो यही ना होता है बच्चों कि यहाँ पे जो भी नंबर है उसका और इसका मल्टीप्लाई होता है अचर संख्या सी का, ठीक है। और जो इसका गुणनफल प्राप्त होता है उसी गुणनफल के बराबर दो संख्याओं का गुणनफल प्राप्त करते हैं कि दो संख्याओं के यदि गुणा कर दे तो इस गुणनफल के बराबर आ जाए, और उन्हीं संख्याओं को एक दूसरे में से घटा दे या एक दूसरे में जोड़ दे तो उनका जो योगफल होगा या अंतरफल होगा एक्स के गुणांक बी के बराबर हो जाएगा, ये रूल होता है, ठीक है ना। आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि उसका गुणनखंड हम लोग कैसे करते हैं किसी भी द्विघात बहुपद का, क्लास 8 में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आप 9th में भी पढ़े हैं, ठीक है ना। अब 10th में बस आपको केवल हिंट की जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ पे और माइनस ये 8 हो गए बच्चों, देखिए 4 इसमें टर्म्स हैं, 4 पद हो गए, तो बताएंगे इसमें से कॉमन लेंगे, 4 पद हैं तो दो दो का उसमें जोड़ा बना लेते हैं और उसके बाद उसमें से हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 4x दोनों में कॉमन बच्चों x है, देखिए इसमें भी x है और इसमें भी है, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा बच्चों और माइनस इसमें बच जाएगा 4, उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो आप प्लस लिखें 2 और यहाँ पे बच्चों 8, तो इन दोनों में कॉमन देखें 2 कॉमन है, इसमें 2 है और 8 में भी 2 है, क्योंकि बच्चों 8 को आप लिख सकते हो 2 × 4 तो 2 उसमें भी है, तो 2 आप कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पे x बचेगा और माइनस 8 में से देखिए आपने 2 तो निकाल लिया है, बचा यहाँ पे 4, ठीक है। अब देखिए तो x माइनस 4, x माइनस 4 पुनः कॉमन है, x माइनस 4 कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या बचा बच्चों x और प्लस इसमें बच गया बच्चों 2, ये उसका गुणनखंड हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का मान, 8 का मान शून्य होगा, ठीक है, इसको आप लिख लेंगे शून्य होगा यदि x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4, क्योंकि माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, इसको 0 के बराबर हम कर लेंगे, ठीक है बच्चों। और यहां से x का मान निकाल लेंगे, क्योंकि हमें तो इसका मान 0 ही प्राप्त करने वाला एक मान चाहिए, एक चर का मान चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर अगेन यहाँ पे देखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 2, तो दो शून्य प्राप्त हुए, एक 4 और दूसरा माइनस 2, ठीक है। अतः बहुपद के दो शून्यक 4 तथा माइनस 2 हैं, दो शून्यक प्राप्त हो गया। उसमें एक पहला क्वेश्चन उसमें यही था कि उसके शून्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात हो गया। चलिए आगे चलते हैं, शून्यकों के बीच जो गुणांकों के साथ संबंध है उसको देखेंगे। यहां पे लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की
सत्यता का जांच, सत्यता का जांच, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच। यदि आप इतना न लिखें तो बस यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसे शॉर्ट में सत्यता की जांच, बस ऐसे लिख लेंगे। इतना नहीं लिखेंगे तो इतना लिख सकते हैं सत्यता की जांच, बस इतना लिखिए, ठीक है। सत्यता की जांच मतलब हम लोग देखेंगे कि वाकई में शून्यकों का जो योगफल है माइनस बी बाई ए के बराबर है कि नहीं, शून्यकों का जो गुणनफल है सी बाई ए के बराबर है कि नहीं, ठीक है। यहां पर हम लोग निकालेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्य किसमें लिखे क्या क्या है, चार है और माइनस दो है, यहां पे फोर और प्लस माइनस टू। देखिए शून्य को, शून्य के एक चार था और एक माइनस दो, दोनों का योगफल देखेंगे कितना आएगा। यहां पे आप देख सकते हैं फोर प्लस माइनस माइनस टू अर्थात यहां पे आ जाएगा टू, ठीक है। या आपको पता है बच्चों कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए, तो आप देख सकते हैं यहां पे माइनस, ठीक है। यहां पे आप माइनस लिखें और बी के स्थान पे क्या है आप तुलना करें, अगर इसका आप तुलना करेंगे ध्यान दीजिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां पे आपको माइनस, ठीक है, तो माइनस बी बाई ए लिखना है तो माइनस, तो मैंने माइनस लिख दिया, बी के स्थान पे क्या है यहां पे देख सकते हैं आप, बी क्या यहां पे एक्स है तो यहां भी एक्स है और बी के स्थान पे यहां पे माइनस दो है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए यहां पे लिखेंगे ऋण दो, माइनस दो हो गया और बटा में ए, तो ए तुलना करें एक्स स्क्वायर है इसमें भी एक्स स्क्वायर है, ए है तो यहां पे कुछ नहीं है तो एक है, कुछ नहीं तो एक है, यहां पे एक लिखेंगे, ठीक है बच्चों। यहां पे माइनस और माइनस प्लस और दो है तो प्लस तो लिखेंगे नहीं, दो और दो में एक से भाग करेंगे तो दो। तो आप देख सकते हैं शून्यकों का योगफल यदि जोड़ा गया तो भी दो आया और फिर जो फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए उसको भी यहां पे यदि लिखा गया तो फिर आपका दो ही आ गया। इसका मतलब कि जो आपने शून्य निकाला है गुणांकों के बीच जो सत्यता है, ठीक है, वो क्या है, सही है, ठीक है ना। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो गुणनफल यदि दो शून्यक हैं, एक चार है और गुणे दूसरा है माइनस दो, गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और चार दोनों के आठ, माइनस आठ आ गया। या सी बाई ए बराबर अल्फा इंटू बीटा, यहां लिख सकते हैं आप अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। सी के स्थान पे क्या है कंपेयर करें आप, देखें सी के स्थान पे ऋण आठ है, यहां पे ऋण आठ लिखेंगे और बटा में ए के स्थान पे यहां पे एक है तो बटा में एक लिखेंगे बराबर ऋण आठ आएगा, अर्थात ये भी सही है, गुणनफल माइनस आठ आया था और सी बाई ए से भी जो गुणनफल था ऋण आठ ही आया है, अर्थात ये आपने इस सत्यता की जांच करके आपने दिखा दिया जो शून्यकों के योगफल में और शून्यकों के गुणनफल में जो संबंध होता है माइनस बी बाई ए तथा सी बाई ए वो जो है यहाँ पे सही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या चार देखेंगे, थोड़ा उससे थोड़ा हटके हैं। तो प्रश्न संख्या चार में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि गुणनखंड करते हैं संख्याओं का, ये हो गया 4u स्क्वायर और प्लस 8u। आप देख सकते हैं इसमें ये दो पद हैं और दोनों में जो कॉमन है बच्चों वो 4u है, 4u, ठीक है। तो 4u कॉमन है तो यहाँ पे बचेगा u और प्लस और इसमें आपका 4 टू 8 और ओनली 2 बचा, ठीक है। तो गुणनखंड तो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 4u और प्लस 8u का मान लिखेंगे, मान शून्य होगा, शून्य होगा यदि, ठीक है, 4u इक्वल टू जीरो तो u इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा जीरो, क्योंकि चार से लेकर भाग करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे u प्लस टू इक्वल टू जीरो तो u इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस टू। तो देखिए दो शून्य का आ गया, एक तो आपका जीरो और दूसरा शून्य माइनस दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये तो दो शून्य प्राप्त हो गया, अब सत्यता की जाँच करनी है, ठीक है, फटाफट अब कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो शून्यकों का ये इसको हम अब फिर आगे नहीं लिखेंगे, बाकी आप लिख लेंगे, अतः दो शून्यक जीरो तथा माइनस दो है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे सत्यता की जांच करनी है, तो शून्यकों का योगफल जो शून्यक है, एक शून्य का आपका जीरो है और प्लस दूसरा जो है माइनस टू है,
जोड़ेंगे जीरो में माइनस टू, जीरो में कोई भी संख्या जोड़ते हैं फिर वही संख्या प्राप्त होती है, अर्थात यहाँ पे माइनस दो आ जाएगा। ठीक है, या जो फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा, दो शून्य एक अल्फा और दूसरा बीटा है, तो उसके लिए फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे माइनस और बी के स्थान पर यहाँ पे क्या है आप देख सकते हैं, यू चर का गुणांक आपका बी होता है, ठीक है, जो एक्स का गुणांक है वही आपका बी होता है, यहाँ पे यू है, ठीक है, तो यहाँ पे आठ है, लिख सकते हैं तुलना करेंगे अगर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है बच्चों, तो ये चर है तो यहाँ भी एक चर है, अर्थात बी के स्थान पे आठ है तो यहाँ पे बी के स्थान पे आठ लिखेंगे और बटा में, और ए ए से तुलना किया जाएगा तो यहाँ पे ये चार है, ये चार हो गया, अतः माइनस और चार गुना के आठ, देखिए माइनस दो और यहाँ पे हो गया माइनस दो। अब यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, शून्य एक है आपका जीरो इंच, दूसरा है माइनस टू, उसमें गुणा करेंगे, जीरो में किसी भी संख्या का गुणा किया जाएगा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, या सी बाई ए जो फॉर्मूला है उससे अगर देखा जाएगा तो सी के स्थान पे, बच्चों इसमें सी के स्थान पे कुछ नहीं है, तब जीरो तो लिख सकते हो ना, प्लस जीरो यदि मैं कर दूं तो फिर ये वही रहेगा, इसके वैल्यू में अंतर थोड़े आएगा, ठीक है, अगर ये चार है और चार में मैं जीरो जोड़ दूं तो फिर ये चार ही रहेगा, ठीक है, अर्थात यहाँ पे देखे सी के स्थान पे जीरो, ये हो गया जीरो, अपॉन ए के स्थान पे चार, ये चार हो गया, अर्थात ये भी जीरो हो गया, देखिए शून्यकों का गुणनफल ऐसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो जीरो आया, फॉर्मूले में भी देखा, ठीक है, तो जीरो ही आया, यहाँ पे योगफल माइनस टू है और फॉर्मूले पे देखा गया तो भी माइनस टू है, अर्थात ये सच्चता की जांच आपकी सही निकली है।